हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप से लोग। मेरा मैं तुषार, आप से लोग देख लो गेमिंग जोन। ओके सो आज की डॉप से लोग सही है, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, तो प्लीज़ वो शुरू से लास्ट तक पूरा पूरा देखिए, बिल्कुल मिस मत करें। क्योंकि इस वीडियो अपने एंड्रॉइड एस में हम डाउनलोड करने वाले हैं वॉच डॉग 2 के मोड को। तो ये मोड आपको पसंद आता है तो एक लाइक एक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इस मोड को हम खेलने वाले हैं GTA San Andreas के अंदर। तो पक्का आपको ये मोड बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ये मोड आपको पसंद आता है तो प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में एक बेल का आइकन आएगा, उस बेल का आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जब भी आपके लिए कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो इस गेम को चलाने के लिए आपके फ़ोन में पहले से GTA San Andreas होना चाहिए। तो अभी तक आपने GTA San Andreas वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 300 MB का GTA San Andreas है, आराम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो जियो वाले भाई मेरे। तो जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Drift away. ये देखिए हम आ चुके हैं अपनी होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में स्पेशली ओपन कर लेना आपको ना प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है इसका नाम है ज़ेड आर्चीवर। तो चलिए डाउनलोड कर लें ज़ेड आर्चीवर को। तो ये देखिए सबसे ऊपर आ चुका है ज़ेड आर्चीवर, आपको लेना डाउनलोड। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा ज़ेड आर्चीवर को। डाउनलोड करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा वॉच डॉग 2 गेम डाउन लिंक, और जैसे आप वॉच डॉग 2 गेम डाउन लिंक ओपन करोगे तो आपको जैसा पेज खुल जाएगा। पेज खुलने आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लिखा आएगा आई एम नॉट अ रोबोट, आपको इस ऑप्शन में कर देना है क्लिक। क्लिक कर देगा यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लिक क्लिक हेयर टू कंटिन्यू का ऑप्शन, आपको इस ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक कर देगा आपको आपकी कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इस वेबसाइट में आपको 5 सेकंड तक वेट कर लेना है। तो चलिए 5 सेकंड तक वेट करते हैं, और ये देखिए हमारे 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं इस वेबसाइट में। तो स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे एक लिंक ऑप्शन आ रहा है, इस लिंक वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए और कुछ ऐड आ सकता है आपको बैक जाना है, और आपका ऑटोमेटिकली मीडिया फायर का पेज खुल जाएगा। मीडिया फायर का मेरा भी खुल चुका है, 485 MB की फाइल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो मैंने पहले से ऑर्डर कर रखे इसलिए मैं नहीं करने वाला। डाउनलोड करने वाला आपको ना ज़ेड आर्चीवर ओपन कर लेना है जो हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड कराए, और उस फोल्डर पर ढूंढना जिस फोल्डर में आपने इस फाइल को डाउनलोड कराए। तो मैंने यूसी डाउन्स में डाउनलोड कर रखा है, तो अपना यूसी डाउन्स का मैं फोल्डर ओपन करता हूँ। तो ये देखिए सबसे ऊपर हमारी फाइल, ये देखिए इस गेम को चलाने के लिए वॉच डॉग 2 के मोड को चलाने के लिए आपके फ़ोन में पहले से GTA San Andreas इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास GTA San Andreas नहीं है तो आपका गेम नहीं चलने वाला वॉच डॉग 2 का मोड। तो अभी तो आपने मेरी GTA San Andreas वाली वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 300 MB का है, कुछ ऐड आ चुका है। तो बैक चलते हैं, जब आप GTA San Andreas इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद इस फाइल में क्लिक कीजिए एक्सट्रैक्ट हियर, और ये पासवर्ड मांग सकता है तो आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है गेमिंग जोन कैपिटल में, गेमिंग स्पेस जोन गेमिंग जोन कैपिटल में ओके कर दीजिए। प्लीज़ वेट, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो प्लीज़ वेट कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन बताएं ना भूलिए मैं अगली वीडियो इस गेम के ऊपर बनाऊं। तो मैं तो सोच रहा हूँ आपके लिए Mafia 3 के ऊपर वीडियो लाऊं, बिल्कुल ऑफिशियल वाला Mafia 3 है, पर हम उसे इन डायरेक्ट तरीके से डाउनलोड करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइएगा यस या फिर नो में। तो कल तो मैं इसलिए अपलोड नहीं कर पाया मैं वीडियो, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो गई, इसलिए मैंने आज आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी है वॉच डॉग 2 के मोड के लिए। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस या फिर नो में Mafia 3 के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो प्लीज़ वेट। तो ये देखिए हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ऊपर एक फोल्डर बन चुका है com.rockstargames के नाम से, जैसे कि आप से लोग खुद देख सकते हो। इस फोल्डर में आपको करना है क्लिक फाइल्स txdp, सबसे ऊपर एक फोल्डर होगा GTA 3 नाम से, इस फोल्डर में आपको करना है क्लिक। यहाँ पे आपको तीन फाइल्स दिखी, जैसे कि आप से लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा DXT, ऐसे ही आप से लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है DXT। तो जिसका पावर वी आर होगा यहाँ पे वो डाल देगा PVR, और जिसका माली होगा वो यहाँ पे डालेगा ETC, और जिसका एंड्रीनो होगा एंड्रीनो वालों के कुछ डालने की जरूरत नहीं है, उनके फ़ोन में वैसे ही चलेगी फाइल, क्योंकि उनके उसमें पहले से ऑटोमेटिकली डला हुआ है यहाँ पे ETC, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो मेरा एंड्रीनो इसलिए रीनेम नहीं कर रहा। तो अगर आपको पता नहीं है आपका GPU रेंडर कौन सा है, ऐड आ चुका है, जैसे कि आप लोगों को पता नहीं है कि आपका GPU रेंडर कौन सा है, तो प्ले स्टोर में एक ऐप आती है CPU Z नाम से, उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे देख सकते हो आपकी, वहाँ पे लिखा होगा एक GPU रेंडर ऑप्शन, उसके बगल में लिखा आ सकता है माली एंड्रीनो पार VR, ये तीनों आ सकते हैं। तो जो भी होगा उसी नाम से आप फाइल को रीनेम कर लीजिएगा। तो जिसका फिर से बता रहा हूँ, जिसका
जिसका एंड रिन होगा वो यहाँ पे कोई मच कुछ मत डालिए, उनका पहले से डला हुआ है। जिसका माल होगा यहाँ पे डालेगा ETC, जिसका पावर वी आर होगा यहाँ पे डालेगा वो PVR, रीनेम करके यहाँ पे डाल देगा PVR। तो मेरा एंड रिन है तो मैं कुछ नहीं डाल रहा। इसके बाद बैक जाइए, रीनेम करने के बाद बैक जाइए और यहाँ पे एक फोल्डर है com.rockstar games के नाम से, जो हमने अभी स्टार्ट करा था। इस फोल्डर आपका लेना है कट बैक्स ले आइए। यहाँ पे एक फोल्डर हुआ एंड्रॉइड का, इसके अंदर एक फोल्डर हुआ डाटा का, डाटा वाले फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए। ये पेस्ट हो चुका है जैसे कि आप सिलो देखते हो। इसके बाद आपको अपना GT सिलेंडियास ओपन कर लेना है। तो चलिए अपना ओपन कर लेते हैं GT सिलेंडियास को। तो ये देखिए हमारा ओपन हो चुका है GT सिलेंडियास जैसे कि आप सिलो खुद देख सकते हो। तो चलिए ऑफलाइन में चलते हैं और ये देखिए बहुत शौक हुआ जैसे कि आप सिलो खुद देख सकते हो। तो जल्दी कमेंट सेक्शन बताएं, ना भूले कि मैं अगले लोग इस गेम के ऊपर आऊँ, माफिया 3 के ऊपर बनाऊँ। तो यस या फिर नो में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। या फिर आपको कोई भी गेम पसंद है उसका नाम भी आप डाल दीजिएगा, मैं पक्का आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो बस वीडियो इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलेंगे वीडियो में, बाय बाय।